वी आर गोइंग टू डिस्कस कंडीशनल कन्वर्जेंस. हमने अभी रिजल्ट जो है ये प्रूव किया है कि अगर एफ एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स ये भी कन्वर्ज करेगा. वॉट अबाउट द कन्वर्स? कन्वर्स मैंने आपको लास्ट मॉड्यूल में बताया था कि ये जनरली ट्रू नहीं है. इसी वजह से हम कंडीशनल कन्वर्जेंस कहेंगे अगर एक फंक्शन जो है वो उसका इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो कन्वर्ज करे लेकिन एब्सोल्यूट जो है वैल्यू एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो कन्वर्ज ना करे तो हम कहेंगे द फंक्शन इज कंडीशनली कन्वर्जेंट. ठीक है, जो है उसको एज अ डेफिनेशन ले रहे हैं कि हम क्या करेंगे कि कंडीशनली कन्वर्जेंट है. इसको फॉर्मली देखते भी हैं और इसकी एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे इस मॉड्यूल में. इसको पहले डिफाइन करने के लिए मैं नॉन ऑसिलेटरी एंड ऑसिलेटरी फंक्शंस जो है वो डिफाइन करता हूं. अ फंक्शन एफ इज नॉन ऑसिलेटरी एट बी नेगेटिव साइन ए टू बी इंटरवल हम ले रहे हैं और बी के लेफ्ट साइड पे जो है लेफ्ट साइड से ये अप्रोच किया जा सकता है अगर क्लोज्ड इंटरवल ए बी है हमारे पास और बी जो है प्लस इंफिनिटी भी हो सकता है. If f is defined on that interval and does not change sign on some subinterval a1 b of a b, तो non-oscillatory functions are those functions जो के subinterval पे किसी भी subinterval पे some subinterval of my interval उस पे sign change ना करें. On contrary, ऑसिलेटरी फंक्शन क्या होंगे? नाम से ही जाहिर है कि वो ऑसिलेट कर रहे हैं. ऑसिलेट तभी करेंगे जब पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज वो ले रहे हो. इफ एफ चेंजेस साइन ऑन एवरी सच सब इंटरवल, किसी भी सब इंटरवल के ऊपर अगर ए बी का कोई भी सब इंटरवल लें उस पे एफ साइन चेंज कर रहा हो ऑन एवरी सच सब इंटरवल, देन वी से दैट एफ इज ऑसिलेटरी एट बी नेगेटिव. नेगेटिव क्यों है? ये लेफ्ट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं. तो ऑसिलेटरी और नॉन ऑसिलेटरी फंक्शंस जो हैं इनको हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया. रिमार्क है, फॉर अ फंक्शन दैट इज लोकली इंटीग्रेबल ऑन दैट इंटरवल ए बी एंड नॉन ऑसिलेटरी एट बी माइनस वन, कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस अमाउंट टू द सेम थिंग. एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और सिंपल कन्वर्जेंस विदाउट एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो दोनों एक ही आंसर देंगे. सो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इज नॉट एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन कनेक्शन विद सच फंक्शंस. अगर नॉन ऑसिलेटरी फंक्शंस हैं तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस जो है वो उस कॉन्सेप्ट का कोई इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं होगी. लेकिन अगर ऑसिलेटरी फंक्शन है, हाउएवर एन ऑसिलेटरी फंक्शन मे बी इंटीग्रेबल. एक ऑसिलेटरी फंक्शन के लिए a to b f of x dx may be convergent ho, okay, convergent ho, lekin but not absolutely convergent. Lekin a to b f of x absolute ye may be diverge kare, aur diverge kisko karega? Ye infinity ko hoga kyunki non negative function ye ban gaya hoga. The next example shows that this is possible, that this improper integral converges बट एब्सोल्यूट इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो कि इस तरह हम डिफाइन करें वो डाइवर्ज करे. इस केस में जैसे मैंने आपको बताया, इस केस को हम कहते हैं, वी से दैट एफ इज कंडीशनली इंटीग्रेबल ऑन दैट इंटरवल, दैट इज ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेस कंडीशनली. ओके, अब ये कंसिडर हम करते हैं द इंटीग्रल आई पी इंटीग्रल 1 टू इंफिनिटी इम्प्रॉपर इंटीग्रल एज साइन एक्स ओवर एक्स रेज टू पावर पी डी एक्स इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर पी बिटवीन 0 एंड 1. अब इसको हमने पहले 1 टू इंफिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स पी डी एक्स दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इसको हमने डिस्कस किया हुआ है. व्हेन एवर पी इज लेस देन 1, पी लेस देन 1 होगा तो ये कन्वर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल है. अब हम इसका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस जो है वो चेक करने लगे. वी विल शो दैट इट कन्वर्जेस कंडीशनली फॉर दीज वैल्यूज ऑफ पी. इसका मतलब यही होगा कि कंडीशनली कन्वर्ज करता है. अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम करते हैं इस फंक्शन के. अब वन इंटीग्रल वन टू सी, इसीलिए मैं ले रहा हूं कि अगर मैंने सी अप्रोचेस टू बी नेगेटिव
जो बी नेगेटिव यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी है, इसको चेक करना है एब्सोल्यूट इंटीग्रेबिलिटी, तो मैं यही कंसिडर करूंगा साइन एक्स ओवर एक्स रेज टू पावर पी, और इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट फंक्शन मैंने साइन एक्स रखा है, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉज एक्स होता है ओवर एक्स पी एज इट इज, वन और सी पे मैं एवेल्यूएट करूंगा, माइनस कॉज सी ओवर सी रेज टू पावर पी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉज ऑफ वन ये चीज आ रही है. ओके, माइनस फॉर्मूले का पी एज इट इज एक्स रेज टू पावर वन ओवर एक्स रेज टू पावर पी का डेरिवेटिव, जो कि आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और यू कैन वेरीफाई कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से दिस इज इक्वल्स दिस वन. अब मुझे क्या पता है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू मैं ले लूं कॉज एक्स ओवर एक्स रेज टू पावर पी प्लस वन की, दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू वन ओवर एक्स पी प्लस वन, एंड दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है ये कन्वर्ज करता है इफ पी इज ग्रेटर देन जीरो, ये हमने किया हुआ है. द कंपेरिजन थ्योरम इंप्लाइज दैट एक्स रेज टू पावर, अब कंपेरिजन थ्योरम अप्लाई करें इस पे, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, वी कैन डू द कंपेरिजन थ्योरम. दिस इज दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, सो दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, सो वी कैन कंक्लूड दैट बाय कंपेरिजन थ्योरम एक्स रेज टू पावर माइनस पी माइनस वन कॉज एक्स, जो कि इसके इक्वल है कॉज एक्स ओवर एक्स रेज टू पावर पी प्लस वन, इज एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल ऑन वन इंफिनिटी ऑन दैट इंटरवल. अब ये अगर एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल है तो ऑब्वियसली ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है. हमने अभी पिछले मॉड्यूल में ये प्रूफ किया था कि एब्सोल्यूट इंटीग्रेबिलिटी इम्प्लाइज द कन्वर्जेंट ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जो कि इस तरह का होता है. Therefore, we have an absolutely convergent integral. This implies that x raised to power minus p minus 1 cos x is integrable, jo main aapko bata raha hu, on that interval 1 to infinity open interval if p is greater than 0. Ab isme jo humne one equation integration by parts ki thi, usme c approaches to infinity karwa dein, theek hai. We find that ip jo integral jo example maine liya tha, उसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की थी, पी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करें, सी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करें, सॉरी, कन्वर्जेस एंड आई पी इक्वल्स दिस वन, आई पी इसके इक्वल होता है. ओके, सो इफ पी इज ग्रेटर देन वन, दिस एंड द फैक्ट दैट, और ये हमने एब्सोल्यूट इंटीग्रेबिलिटी जो है ऑफ दैट फंक्शन वो साबित की हुई है पिछले एग्जाम्पल में कि वो इक्वल्स इन्फिनिटी है वेन एवर पी लेस देन इक्वल्स टू वन है. इसका मतलब ये है कि आई पी जो है उसको हमने क्या किया है, वन टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स रेज टू पावर डी एक्स, इसको हमने साबित किया है ये कन्वर्जेंट है. दिस इज कन्वर्जेंट इसी मॉड्यूल में, और ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, वन टू इन्फिनिटी साइन एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स रेज टू पावर डी एक्स इक्वल्स इन्फिनिटी है वेन एवर पी इज लेस देन और इक्वल्स टू वन, और ये हमने कन्वर्ज किया वेन एवर पी इज लेस देन जीरो. सो इसका मतलब ये हुआ, इम्प्लाई दैट आई पी कन्वर्जेस कंडीशनली, तो यही मैंने कंडीशनल कन्वर्जेंस यही है मैंने डिफाइन किया था कि फंक्शन इम्प्रॉपर इंटीग्रल वो तो कन्वर्जेंट हो लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू वो कन्वर्जेंट ना हो, इस तरह की कन्वर्जेंस को हम कहते हैं कि फंक्शन इज कंडीशनली कन्वर्जेंट. सो वी हैव डिफाइंड क्वाइंड द टर्म कंडीशनल कन्वर्जेंस, और इस कंडीशनल कन्वर्जेंस की एक एग्जांपल की है जिसमें हमने साबित किया है कि फंक्शन इम्प्रॉपर इंटीग्रल फॉर सर्टन वैल्यू ऑफ पी वो तो कन्वर्ज करता है लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर द सेम कंडीशन ऑन द पी वो एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ फंक्शन जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो डाइवर्ज करता है, जो कि हमने पहले ही एग्जांपल में डाइवर्जेंस उसकी साबित की हुई है.